डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक ज्ञात नहीं है, BrF5, ICl5, IF6 और ICl3। देखिए अगर आप इन सारे कंपाउंड को देखेंगे तो ये हैलोजन से ही बने हुए हैं, इसका मतलब कि ये सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं। तो ये सारे के सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड बनता है, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अब जरा पहले हैलोजन की बात समझो। सपोज करो ये हैलोजन है, कोई भी हैलोजन है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मान लो कि आपने इसके बॉन्ड बनाइए 2। सपोज करो इसके आपने बॉन्ड बना दिए 2, तो जब 2 बनाए तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कैसा हो गया? अनपेयर्ड हो गया। ये कैसा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? वो जो होगा इसको ब्रेक कर देगा, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देगा। बात समझ में आ? आपने यहाँ पर कितने बनाए? 2 बॉन्ड बनाए। अब मान लो कि आपने इसके बनाए कितने? 3 बॉन्ड बनाए। आपने इसके कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए। तो एक बॉन्ड ये बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड बनाया। तो अब इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने पर ये क्या होगा? ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर में एक दूसरे के अपोजिटली अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुल मिला के ये बात समझ में आपको आती है कि हैलोजन्स जो होते हैं वो ऑड नंबर में ही क्या करते हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इवन नंबर में नहीं करते हैं, क्योंकि बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो कि कैसा होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो मॉलिक्यूल को स्टेबल नहीं होने देता है। तो ये AB टाइप AB3 टाइप AB5 टाइप AB7 टाइप, इस तरह के बनाएंगे तो ये AB5 टाइप है AB5 टाइप है AB3 टाइप है, बड़े AB6 टाइप है, इवन नंबर हो गया, तो यही एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो होगा वो 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।